तो दोस्तों फ्यू मंथ पहले वीवो ने अपने बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन वीवो S1 को लॉन्च करा था, जो कि अपने प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन था, जिसमें हमें स्नैपड्रैगन के 665 का प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिला था। तो दोस्तों इसी स्मार्टफोन का सक्सेसर वीवो S5 वीवो बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है, जो कि आने वाला 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे के साथ, और उसके साथ ही यहां पर आपको स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन, और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइन से, तो यहाँ पर वीवो S1 के जैसा इस स्मार्टफोन में भी ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ, और उसके साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है एक डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों वीवो S1 के बाद वीवो S5 में बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिलने वाला है प्रोसेसर कैटेगरी में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, जो कि एक फ्लेक्सी प्रोसेसर माना जाता है। तो दोस्तों वीवो S5 का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आपको यहां पर स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है एंड्रीनो के 680 के GPU के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 5000mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है 22.5W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और दोस्तों फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जहां 108 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग का देखने को मिलने वाला है, वहीं दोस्तों यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एंड्रॉयड क्यू का सपोर्ट, जो कि आने वाला है वीवो के फंटच OS के साथ, एंड उसके साथ ही दोस्तों फाइनली बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस आपको अंडर 20,000 rupees देखने को मिलने वाला है वेज वेरिएंट का, जो कि होने वाला है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और फाइनली बात करें रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को इंडिया में वीवो नवंबर के महीने तक लॉन्च करेगी। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कन्फर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर करा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।